ए कुकर लो, लोटा लो, जग लो, गिलास लो, टोकरी लो, कुकर लो, वीआईपी पटाखा लो। हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आज यहाँ पर हमारे पास में है बर्तन। और अगर आपको बर्तन खरीदने का है तो नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, ये है 1 रुपए का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 रुपए का। तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए जो है खाली पड़ा हुआ है। गाइस ये सब मजाक की बातें हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। नहीं। आज हम इन सारे के सारे बर्तनों को उड़ाने वाले हैं। मस्त प्लान है। वीआईपी से जो कि है यहाँ पर। और गाइस आपको पता है कि वीआईपी जो पटाखा होता है वो कितना ज्यादा पावरफुल होता है। गाइस दिवाली आ रही है और हम लोग आपके लिए कोई धमाका ना करे गाइस, ऐसा हो सकता है क्या गाइस? नहीं हो सकता ना ऐसा। तो आज इन बर्तनों को हम वीआईपी के सामने रख करके देखने वाले हैं कि क्या ये हवा में उड़ेंगे या फट जाएंगे या क्या होगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप सब लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना और एक बात ध्यान से सुन लो भाई सब लोग, ठीक है? इस वीडियो में दिखाई गई चीज को आपको ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। आपको सिर्फ देखने की जरूरत है, लाइक करने की जरूरत है, सब्सक्राइब करने की जरूरत है, लेकिन दोहराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। गाइस हम सारी चीजों को सेफ्टी के साथ में करते हैं। इनफैक्ट हम इनके ऊपर जो आग भी लगाएंगे वो भी लगाएंगे रिमोट कंट्रोल से, यानी कि दूर से, इनके आसपास भी नहीं भटकेंगे हम लोग। तो फटाफट से शुरू करते हैं, लाइक ठोक देना भाई। गाइस इतनी सारी चीजें, सबसे पहले किसके साथ में ट्राई करें ये समझ में नहीं आ रहा। एक चीज है हमारे पास में, ये जो बेगची है ये है गाइस एल्यूमिनियम की, और बाकी सारी चीजें हैं किस चीज की? स्टील की। तो हम सोच रहे हैं कि इसके साथ में ट्राई करते हैं, हो सकता है कि ये ऊपर जाए और हो सकता है कि ये फट भी जाए, कुछ नहीं पता। गिलास जो है वो साइज में सबसे हल्का है तो हो सकता है ये सबसे ज्यादा ऊपर जाए, लेकिन ये ऐसा अनुमान ही है गाइस। सारी चीजें ट्राई करके फिर देखते हैं। ये जग जो है इसकी शेप बिल्कुल अलग ही है, क्योंकि यहाँ पर इसमें पकड़ने का होता है, इसका वेट बैलेंस नहीं होता, तो ये नहीं पता ये कैसे ऊपर जाएगा। यहाँ पर है वीआईपी, ये है गाइस हमारी बेगची, रखते हैं ऊपर, ये है रिमोट, चलते हैं इससे दूर और अब करेंगे धमाका, लगाते हैं गाइस इन 3, 2, 1 गो। अभी भी ये जो है थोड़ी सी गर्म है। ओ वाओ क्या बात है, इसकी शेप बिगड़ गई है। देखो ये फ्लैट थी एकदम, ऐसे हो गई है ऐसे। इस बार गाइस हमने 3 लोटे रख दिए हैं 3 वीआईपी के ऊपर यहाँ पर, और अब इनको चला के देखते हैं। दूर हो जाओ, 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 चलो 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 गाइस चलाते हैं। 3, 2, 1 गो। ध्यान रखना। अरे एक तो पता नहीं कहां गया, एक तो पता नहीं कहां गया, एक तो यहां पे आया है और 2 लोटे गए ऊपर, दूसरे खेतों में गए, पता नहीं कहां चले गए, बहुत ऊपर गए थे गाइस, छोटे छोटे दिखने लग गए थे। और एक बार ये देखो, ये लोटा फूल गया है, इसके अंदर एक मोच थी, वो मोच निकल गई है। ये पिचका हुआ था थोड़ा, वो सही हो गया अपने आप। यार गाइस इस खेत में जो है 2 लोटे गए हैं, अब ये नहीं पता कि कहां पर गए हैं।
चढ़ तो गए हैं हम लोग ऊपर ही, लेकिन गाइज यहाँ पर ये पूरा खेत है तो कोई रिस्क वाली बात तो है नहीं ऐसे। ये जो है कपास का खेत है, यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें से तो निकल गया है, ये देखो ये रहा गाइस, ऐसे उगता कपास। कपास जो लोग नहीं जानते गाइस, जो रुई होती है जो आपकी रजाई गद्दे में होती है, जिस कॉटन से आपके कपड़े बनते हैं ना, वो कॉटन ऐसे खेतों में उगता है। तीन लोटे हमारे आसमान में गए थे, तीन लोटों में से सिर्फ एक ही लोटा वापस लौटा, दो लोटे वापस ही नहीं लौटे भाई साहब। एक लोटा मिल गया है जो कि है यहाँ पर, और अब तो ये ठंडा हो चुका है। अंदर से हालत देखो एक बार, लोटा चौड़ा हो गया यार, खुल गया लोटा। कोई मेरा लोटा मुझे लोटा दो, मेरा लोटा मेरा घड़ा मुझे लोटा तो नहीं मिला। गाइस ये रहा तीसरा लोटा। दोस्तों इस बार तीन चीजें हमारे पास में, एक पतीला है, एक जग है यहाँ पर, और एक गिलास है। दो चीजें तो आ गई, कैमरा बच गया हमारा, गिलास नहीं आया वापस, और तेरी गिलास गया ही नहीं ऊपर। तो भाई ये दोनों बर्तन ऊपर गए थे आसमान में, ये तो कैमरा के ऊपर गिरते गिरते बचा, और जग को देखो गाइस, जिसका जो हैंडल है, जो हत्ता है, वो गया। अंदर से हालत देखो, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना पुराना हो, बाहर से नया दिख रहा है, अंदर से खराब है भाई साहब। इस बार ये बड़ा वाला बर्तन है, रखते हैं पटाखे के ऊपर। और अब सब लोग ये भी ध्यान रखना कि जब ये ऊपर से गिरे तो इसके नीचे कोई गलती से भी ना रहे, उनसे बच सकते थे, ये ज्यादा वजन वाली चीज है। चलो गाइस चलते हैं, गो। ओ ओ ओ तेरी, ओ देख के ओ वाओ। यहाँ पर जो तीन बर्तन है वो क्या मस्त तरीके से आसमान में जा करके नीचे आए हैं, हालत देखते हैं इनकी। ओ वाओ देखो अभी भी इसमें से धुआं निकल रही है गाइस, अरे वाह। इतना गर्म तो नहीं है लेकिन हाँ डेफिनेटली नॉर्मल भी नहीं है, थोड़ा गर्म हुआ है। ये देखो इसमें धुआं क्या, अरे यार इसमें मोच आ गई, ये मुझे लगता है गिरने की वजह से आई है। तो भाई साहब जैसे ही धमाके हुए, इन बर्तनों ने करी है आसमान की सैर। ये जो है आप मानो कि कम से कम 150 फीट तो आसमान में गए होंगे, अंदाजे से ही बता रहे हैं गाइस। अब बचा है सबसे खतरनाक चीज जो कि है प्रेशर कुकर। दोस्तों ये जो कुकर यहाँ रखा है, इसके अंदर है दो VIP, एक साथ दोनों चलेंगे। इसका जो सेफ्टी वॉल्व होता है, इसमें से हमने सर्किट इसको दे दिया है, और अब हम चलते हैं इससे दूर और गाइस देखते हैं क्या होता है। चलो दूर चलो इससे, इसके आसपास किसी को भी नहीं रहना, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम छुप जाएंगे कहीं ना कहीं। भाई अपनी अपनी जगह देख लो, दुबक जाओ, एकदम ऐसी जगह हो जाओ कि अगर कुछ आ भी जाए तो भी कोई दिक्कत ना हो। करे धमाका, करते हैं गाइस धमाका इन 3, 2, 1 गो। उत्तरी उत्तरी क्या हुआ है, क्या हुआ है, हैं ढक्कन कहाँ है? अरे आसमान में तो नहीं गया वो, गाइस ढक्कन ऑर्बिट में तो सेट नहीं हो गया, ढक्कन ही नहीं है, हैं कुकर तो ये रहा, अरे कहीं गिरे ऊपर से वो, देख के रखना नहीं यार इतनी देर में तो आ जाता भाई साहब। ये तो है कुकर, और इसमें से जब सूतली मोम फटे, VIP फटे, तो इसका ढक्कन, क्योंकि हम लोग सब छुपे हुए थे, कैमरा चेक करो ढक्कन कहाँ है यार, कहीं इसका ढक्कन कहाँ गया, कहाँ जा सकता है, देखो 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 एक बार, इसका ढक्कन इसमें से निकल गया है इतना तो शोर है, लेकिन गया कहाँ ये किसी को नहीं पता, किसी ने भी नहीं देखा, नहीं सब लोग छुपे हुए थे यार।
कैमरा में देखो, पता ही नहीं चला, स्लो मोशन था यार ये तो, स्लो में भी नहीं पता लगा। अरे यार स्लो कैमरा में भी नहीं पता लगा तो किस में पता लगेगा भाई? भाई ढक्कन उड़ा है बस ये पता लगा है इसमें। मुझे लगता है ज्यादा दूर तो नहीं गया, उस गड्ढे में देखना एक बार। ओ तेरी बहुत तेज गया, बहुत तेज गया ढक्कन, वो गया देखना, ये देखना इसमें दिखे, वो गया ढक्कन, जबकि ये स्लो मोशन है ये। ये देखो भाई वो गया ढक्कन, अरे यार ये तो बहुत तेज गया, बहुत ज्यादा तेज गया ढक्कन, गोली की तरह ऊपर गया है। वो देखो गाइस, वो लोग उस खेत में ढूंढ रहे हैं, मैं इस खेत में हूँ, उधर और भी लोग हैं, तो अभी तक जो है ढक्कन का कोई भी सुराग जो है वो नहीं लग पाया है, सब लोग लगे हुए हैं चारों तरफ। तो भाई फाइनली आधा घंटा ढूंढने के बाद में हमको जो कुकर का ढक्कन है वो मिल गया है। पीछे से हालत देखो, ये टूट गया है, यहाँ से देखो पूरा बेंड हो गया है, और गाइस ये कितना ऊपर गया होगा इसका अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे हम लोग। कैमराज में कुछ दिखाई नहीं, सिर्फ एक स्लो मोशन कैमरा में जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक अच्छे से दिखा है, और स्लो मोशन में भी इतना तेज भाग के गया भाई गोली की तरह। सीटी तो मिली नहीं, सीटी तो मुझे लगता भी नहीं मिलने वाली है, सीटी नहीं है गाइस इसमें, सिर्फ ढक्कन ढक्कन मिला है। तो गाइस अब आप लोगों को सबसे पहले तो ये करना है कि ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं करना है गलती से भी, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार भी है, बहुत ही धमाकेदार भी है। इसीलिए इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाना भी ज़रूर से बनता है, और इसीलिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है, क्योंकि हम आपके लिए धमाकेदार वीडियोस लाते रहते हैं। अभी दिवाली चल रही है गाइस, तो दिवाली पे जो है ऐसे धमाके होना लाजमी है, हमको करने पड़ेंगे ताकि आप कुछ मज़ेदार चीज़ें दिखा सके, लेकिन आपको लाइक भी करना पड़ेगा गाइस ताकि हम थोड़ा मोटिवेटेड भी रह सके। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अंधेरा होने वाला है, हम लोग भी चलते हैं हमारा ढक्कन लेके घर पे।